press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 25 फरवरी को मेरे मामा को इस पौधा के अंदर भी मेरे बेटे सुषमा की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 दिन के जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन दुखी घड़ी में सच्चा साथ। 25 फरवरी को मेरे मामा को इस पौधा किया था कि मेरे बेटे सुषमा की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 दिन के जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन दुखी घड़ी में सच्चा साथ। 25 फरवरी को मेरे मामा को इस पौधा किया था कि मेरे बेटे सुषमा की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 दिन के जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन दुखी घड़ी में सच्चा साथ।